हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने एयरपोर्ट्स, एयरडॉट्स, एयरबर्ड्स, टच कंट्रोल वाले तो देखे होंगे, लेकिन नेकबैंड टच कंट्रोल वाला मेरे पास आज आया है वर्नी ब्रांड का। वर्नी का ये 42 आर्ट्स का बैटरी बैकअप वाला टच कंट्रोल वाला ये नेकबैंड आज मुझे मिला है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, दिखने में कैसा है, प्रीमियम प्रोडक्ट है कि नहीं, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ब्लैक कलर में है, वायरलेस नेकबैंड है, सॉफ्ट बास स्टीरियो वर्जन, ब्लूटूथ 5.1, टॉक टाइम 45 हर्ट्स, म्यूजिक टाइम 42 हर्ट्स, स्टैंड बाई टाइम 180 हर्ट्स, चार्जिंग टाइम 10 या 15 मिनट में चार्ज हो जाएगा दोस्तों। टाइप सी पोर्ट का चार्जिंग है, 250 mAh की बैटरी है, 32 फुट तक आपको कवरेज मिलेगा। वर्नी का है, 1000 रुपये में मैंने परचेस किया है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो डोंट वरी, डबल टच प्रेस करने पे लैंग्वेज भी चेंज होता है और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। प्रेस बटन 2 टाइम डबल क्लिक करने पे नेक्स्ट होगा, 3 टाइम पे प्रीवियस होगा, 4 टाइम पे लास्ट कॉल आपने जिसको भी किया होगा वहाँ पर कॉल लग जाएगा। 1.5 सेकेंड तक आपको प्रेस करने पर पावर ऑफ होगा, 1.5 प्रेस करने पर सीरी भी होगा। तो मतलब डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिकेशन है और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है। तो अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या मिल जाता है। ये रहा प्रोडक्ट हमारा, बहुत ही अच्छा एक फिनिशिंग पैकेजिंग रहता है वर्नी का। ये प्रोडक्ट है बॉक्स में, और क्या है तो आपको एक टाइप सी का केबल मिल जाता है और 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और एक वर्नी का कार्ड। यूज़र मैनुअल नेकबैंड के बारे में, तो दोस्तों ये रहा हमारा नेकबैंड। यहाँ से टच कंट्रोल होगा, ये चालू हो चुका है, टच कंट्रोल है पूरा, टाइप सी का पोर्ट है। रेड एंड ब्लैक इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और जो इसका बर्ड्स है वो भी शार्क टाइप के हैं, मैग्नेटिक बर्ड्स है। ऊपर वर्नी का लोगो भी है और आप देख सकते हो शार्क टाइप के मैग्नेटिक बर्ड्स है। पूरे बर्ड्स आपको मेटल बॉडी में ही मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ वर्नी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो वर्नी का यहाँ पे प्लस एंड माइनस का बटन नहीं है, सभी कंट्रोल यहाँ से ही करना होगा, ऐसे ऊपर नीचे करके सब कंट्रोल इस तरह से करना रहेगा। नॉर्मली आपको बताओ तो स्पोर्ट्स टाइप का लुक है और काफ़ी बढ़िया वायर है, सिलिकॉन के वायर है, रेड कलर के, काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे प्लास्टिक का आपको नेकबैंड मिल जाता है और काफ़ी, ये मैंने पहली बार ऐसा प्रोडक्ट देखा टच कंट्रोल वाला। यहाँ पर टच करने पर पावर ऑफ हो जाएगा, पावर ऑफ हो चुका है, टाइप सी का पोर्ट है। चलिए साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। टच कंट्रोल आपको वन साइड पे ही दिखाई देगा दोस्तों, तो चलिए चालू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको चालू कर दिया है, अभी हम इसको पेयर करेंगे। तो वर्नी वी टच इसका मॉडल जो नाम जो है वो वर्नी वी टच का है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही फास्ट कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग हो चुका है। अभी नॉर्मली हम साउंड क्वालिटी चेक करेंगे कि कैसा है इसका साउंड, आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी रेगुलर। काफ़ी ब्राइट साउंड है, परफेक्ट एंड पावरफुल बास है, क्योंकि मेटल बॉडी है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त बास है। साउंड क्वालिटी आप देखिए कैसी है, ब्राइट एकदम और परफेक्ट। जो सॉन्ग के लिरिक्स है वो भी परफेक्टली सुनाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे फुल वॉल्यूम नहीं किया था, फिर भी आवाज़ एकदम ब्राइट है। तो अभी ये फुल वॉल्यूम पर है, तो फुल वॉल्यूम पे सुनता हूँ तो भी मुझे लाउडली फील नहीं हो रहा है, परफेक्टली साउंड क्वालिटी है, नॉट बैड। तो दोस्तों प्रोडक्ट तो अच्छी है और टच सेंसर है, नॉट बैड। टच सेंसर की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप लोग परचेस करना चाहो तो आपको लोकल शॉप में मिल जाएगी, हाँ शायद ऑनलाइन भी मिल जाएगी,
ऑनलाइन भी शायद ये प्रोडक्ट आ ही चुकी होगी, तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपके मन में और कोई सवाल हो, अगर आपको इसके रिलेटेड, नेकबैंड के रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो भी पूछ लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। भारत माता की जय, जय हिंद। आपका दिन शुभ रहे।